हम एक बार फिर से नए ब्लॉक के साथ में लौट चुके हैं। हमारे साथ में संपत मीणा जुड़ चुके हैं, जो हम एक साथ में पैसों को चराने के लिए जा रहे हैं बांध पे बड़गा वाला, ये एनिकट रेस जिसे कहते हैं, कॉपेश्वर जी के पास में है। अब इनसे सवाल पूछेंगे, कितने भैंस हो गए लमसम? 50। हाँ, तो आप इसको सारे दिन चराते हो या नहीं? मैं नहीं चराता हूँ, तो ड्राइवर रखा हुआ है। तो वो आज का बारिश के कारण वो नहीं आया। वो तो आप ये इसको ऐसे छोड़ के आ जाओगे एक बार? आज छोड़ के घर जाएंगे। हाँ, फिर शाम को आएंगे। फिर शाम को लेने आएंगे? हाँ हाँ बिल्कुल। तो सब साथ में आ जाएंगे कि अलग अलग आएंगे? सब साथ में आएंगे। आगे कहाँ पे जा रहे हो? आगे बांध दे, आपको बताएंगे अभी। हाँ, पानी का नजारा भी होगा? बिल्कुल, पानी कितना भर लायक नजारा है। मैं बहुत दिनों के बाद में इधर आया हूँ, कम से कम दो महीने के या 3 महीनों के बाद में। देख सकते हैं आपके भैंस जा रही है, और यहाँ पे एक लड़का और है, और ये पीछे भी है भैंस, देख सकते हैं जो पीछे भी लड़के है और आ रहे हैं। संभाला जी, आप बताना चाहेंगे ये कितने लड़के आपके साथ में अभी? और मेरे साथ में 7 लड़के हैं। हाँ, तो सब उसके साथ है। ये हमारे भैंस है, देख सकते हैं। इनमें से कम 20-30 भैंस जो दूध रहे हैं। ये कमलेश मीणा और हिमांशु भी साथ में है। ये अमृत लाल मीणा, आप ये देख, खूबसूरत नजारा है। जहाँ पे यहाँ पे कम से कम गड्ढा होगा तो 10-20 फुट होगा, जिसके अंदर भैंस नहा रहे, सब उतर गए हैं। अभी भैंस और उतरे हैं, और मुझे भी डर लग रहा है, इसके अंदर बोगी भी है। ये देख सकते हैं यहाँ से आ रहे हैं भैंस। सिर्फ बहुत खूबसूरत देखने लायक है नज़ारा। देखिए ये भैंस यहाँ से पूरे इधर है, तैर रहे हैं, बस सिर्फ अपना मुंह बाहर निकाल के जा रहे हैं। सिर्फ अपना मुंह बाहर निकाल रहे हैं पूरे। ये देखिए, इसमें इसके अंदर छोटे छोटे बच्चे भी है। देखिए संपत लाल जी, मेरा ये अंदर तैर सकते हैं संभा लाल जी। पहले ये इनमें इतना पानी होता था, फिर भी ये अंदर उतर जाते थे पहले के। ये बहुत बड़े खिलाड़ी है पानी के। ये पूरा नज़ारा पा देख सकते हैं आप, जो इसमें ये संभा लाल जी उतर के पार कर चुके हैं। नहीं, अभी तो रहने दो, अभी तो ये करके दिखाओ क्या? नहीं नहीं, अभी तो रहने दो, आज तो ठंड भी लग रही है, बारिश भी आ रही है हल्के हल्के। ये